गुड मॉर्निंग एवरीवन। नए साल में सबसे पहले आप लोगों को बधाई, और इस नए साल में जो जो चीज़ें मैं करने वाला हूँ आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं कि क्या क्या चीज़ें नहीं होने वाली। इनफैक्ट जितनी भी चीज़ें करूँगा वो सब तो नहीं ही होंगी। और दिन की शुरुआत मैं कैसे कर रहा हूँ वो है वाटरिंग, और इससे बेहतरीन शुरुआत नहीं हो सकती। नेचर के बीच में आप पहला दिन आप स्पेंड करेंगे, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप जो प्लांटिंग करते हो, जो अपना गार्डन है, गार्डन का कुछ और एक एपिसोड बनाओ पूरा, जिसमें कि आप कैसे करते हो चीज़ें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गार्डन के बारे में कितना मुझे पता है। प्लांट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि प्लांट के बारे में मुझे इतना ही पता है जितना कि प्लांट मेरे बारे में जानते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मुझे बिल्कुल ही ज़ीरो नॉलेज है। हाँ, बस चीज़ें कुछ अच्छी लगती हैं, मैं नर्सरी में जाता हूँ और मुझे कुछ प्लांट अच्छे लगते हैं तो वो चीज़ें मैं लेके आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे ग्रीन और ये कलरफुल चीज़ें, जैसे कि हमारा फील्ड ही वैसा ही है कि कलरफुल चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है प्लांटिंग के साथ, और इसके साथ साथ और क्या चीज़ें होने वाली हैं। दोनों बच्चे सो रहे हैं, दिव्या का भी आज ऑफिस है तो कोई हॉलीडे नहीं है, तो चीज़ें हम सेलिब्रेट करेंगे। वैसे लास्ट नाइट हम लोग कर चुके हैं, तो आज का भी दिन है जो हम पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। दीदी लोग के यहाँ पे भी जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और आज बहुत सारी नई चीज़ें होने वाली हैं, और आपने जो भी चीज़ें आप नई चीज़ें की हैं आप लोगों ने आज के दिन, प्लीज़ शेयर करिए और बने रहिए मेरे साथ। दिव्या अभी ऑफिस जाने वाली है तो उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। हैप्पी न्यू ईयर। ये लो तुम्हारे लिए सबसे पहला फ्लावर। गमला इसलिए कि मैं फूल तोड़ नहीं रहा और ये इसमें ही रहेगा। और बचपन में तो हम लोग, पता है तुमको कि मम्मी पापा को हम लोग सुबह उठ के उनको फ्लावर दिया करते थे, क्योंकि पापा पहले से ही गार्डनिंग करते हैं तो फ्लावर वगैरह जितने भी थे वो हमेशा ही दे देते हम लोग। लेकिन अब नहीं तोड़ सकते ना, अभी तो हम लोग बेटे नहीं हैं, अब लोग पापा बन गए। चलो हैव अ गुड डे, जल्दी आओ। ऑल सेट। हैप्पी न्यू ईयर। मास्क भूल गई तुम आज के दिन? पहला दिन जो भूल जाते हैं वो हमेशा साल भर भूलते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं कि पहले दिन जो भूल जाता है पूरे साल भर उसको भूलता ही रहता है। ये कभी नहीं भूल सकते। मास्क, क्योंकि इसमें माँ है ना। ये तो मैगी है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये नॉर्मल मैगी नहीं है, ये 2021 की सबसे पहली मैगी है। ओके, भले ही ये जंक फूड है लेकिन वीक में तो टीचर ने अलाउ किया है ना। ओके, आज स्कूल नहीं है तुम्हारा? कौन बोला तुमको स्कूल है? ठीक है, आज छुट्टी है। कृषि, सरप्राइज है। पिज़्ज़ा क्या है? यस, पिज़्ज़ा है। वाह, ये मम्मा और पूजा आंटी ने भेजा है। यस, क्या बात है। नहीं खाना है? ओके रुको, मैं प्लेट लेके आता हूँ। तुमको पता है मम्मा ने एक बार मुझे फ़ोन किया था कंफर्म करने के लिए पिज़्ज़ा आया है कि नहीं आया, लेकिन वो मुझे डायरेक्टली नहीं पूछा था, ऐसे ही फ़ोन किया था मुझे। तो ऑब्वियसली अगर आया होता तो मैं बताता था, लेकिन अभी अभी पिज़्ज़ा आया है, मम्मा ने भेजा है, तो उन्होंने ये भेजा हुआ है। और आई एम श्योर कि उन लोगों ने आज ऑफिस में पिज़्ज़ा ऑर्डर किया होगा, और मम्मा जब भी कुछ अच्छी चीज़ें खाती है तो हमें ज़रूर सेंड करती है। तो थैंक यू पूजा आंटी, थैंक यू मम्मा। आयरा उठेगी तो अभी खा गया, मेरा तो अभी सो रही है ना। ये सब मेरा है। देखो, टीचर ने बोला था ना कि नो जंक फूड, और वीक में एक दिन खाने के लिए बोला था, तो एक तो हम लोग मैगी खा चुके हैं। तुम सुनो सुनो, ये जितने भी आते हैं ना ये रैपर्स, ये सब तुम खाओ। ये आव्या का है, ये डोमिनोज का पिज्जा पता है? पिज्जा पिज्ज़ा। ओके, ये वेज नहीं है, नॉन वेज है।
तो नॉनवेज खाना है तुमको? नॉनवेज। ये नॉनवेज का सील है देखो। वाह ऑसम। आयरा क्या किया अभी, भाग के आई हो तुम? फ्रिज खोली थी क्या वापस से? ओहो कोई तो भी आज रेडी हुआ है। इससे पहले रेडी नहीं होते थे तुम? कितना बात करोगी? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, इधर आओ, कम हियर। न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है तुम्हारा, नए साल में क्या करना चाहती हो बताओ? कुछ नहीं तो वो पता है मुझे, तुम और क्या करना चाहती हो? तुमको क्या चाहिए और क्या करना है तुमको? नहीं 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 बताना पड़ेगा, ऐसे थोड़े ना सब लोग चाहते हैं कि आव्या बताए कि न्यू ईयर में क्या करने वाली है। क्या करोगी तुम, डांसिंग करोगी या जल्दी उठोगी तुम सुबह सुबह? जल्दी उठोगी। तुम जल्दी उठोगी ना, प्रॉमिस। देखो सब लोग देख रहे हैं तुमको और सब लोगों ने बोला है कि आव्या इतना लेट से क्यों उठती है, तुमको सुबह उठना चाहिए ना। देखो तुम्हारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि जल्दी सोना है और जल्दी उठना है, ओके डन। अगर तुमने प्रॉमिस किया तो निभाना पड़ेगा, ओके कल से, ओके डन डन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन मेरा, न्यू ईयर रेजोल्यूशन मेरा ये है कि मैं एवरी डे मॉर्निंग में भी जाऊंगा और हल्की सी एक्सरसाइज करूंगा मैं। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इनफैक्ट आप जो भी हैं स्केचिंग करते हैं या किसी भी फील्ड में फिजिकल फिटनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, समझ गए ना? फिजिकल फिटनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं एटलीस्ट स्टार्ट करूँगा रनिंग से। क्रिकेट खेलता हूँ मैं सैटरडे को, लेकिन सिर्फ सैटरडे खेलने से उतना बेनिफिट नहीं होता है, आपको करना पड़ेगा एवरी डे। तो एवरी डे में जैसे 4 o'clock उठता हूँ तो फिर मैं एक्सरसाइज करूँगा और रनिंग करूँगा, ये मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है 4:30। तुम्हारा अब बताओ कि तुम्हारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? आवे ने बता दिया, मैंने बता दिया। न्यू ईयर रेजोल्यूशन कुछ नहीं है, हर साल मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ करूँगी, मैं नहीं करती हूँ। तो एटलीस्ट सोचेंगे तभी तो करेंगे, अगर सोचेंगे नहीं तो कैसे होगा? ये साल को सेविंग पैसे बचाऊंगी। तो हर साल होता है, नेक्स्ट नहीं होता है? हाँ तो वो भी नहीं होता, नेक्स्ट मैं रोज थोड़ा पढ़ाई करूँगी। हाँ वो ठीक है, वो चलेगा। और रनिंग नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं, हाँ एक काम कर सकते हैं कि एक दिन तुम रनिंग के लिए जाओ, एक दिन मैं जाऊँ। कैसे उठूंगी उतनी सुबह? अलार्म लगा के, मैं हूँ ना अलार्म, मैं खुद उठता हूँ। ये लड़की मुझे रात भर सोने नहीं देती है, फिर मैं कैसे उठूंगी सुबह सुबह? ये लड़की तुम की सोने नहीं देती। सुनो तुम, सब लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, बताओ तुम इधर। चिक्को डैडू बोल रहा है मुझे। क्या हुआ है? सुबह सुबह जा करके रन करने के लिए, मैं कैसे सुबह उठूंगी? इतना किसी इसको मत करो चिको। आयरा ये आज लेके सोई थी इसको। हाँ ये दोनों अब आपस में कुछ देखना, कुछ तो बात करेंगे। अभी वो डॉल की हालत। ओह नो 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 आयरा, नो नो, ये दीदी है ना आयरा, उसको प्यार ही करो ना। क्या पी रही है? नहीं नहीं ये शांत बैठी हुई ना तो उसको अच्छा नहीं लगता। देखा अभी शांत रहने पे क्या होता है, सबसे शांत बच्ची है आयरा, लेकिन वो किसी को भी अगर शांत देख लेती है तो फिर उसको शांत नहीं रहने देती। शांत है ये, शांत है ये, शांत है। गुड गर्ल। चलो आई, चलो चलेंगे आई के यहाँ चलते हैं अभी न्यू ईयर में। देखो अब भी आई है ऑफिस से। हाँ, मेरा टाइम क्या हो रहा है, 8 o'clock। अभी अब हम न्यू ईयर क्या मनाएंगे, अभी हमारा न्यू ईयर ऐसा ही है। हाँ तुमको सुबह उठना है और रात को जल्दी सोना है, ओके इसका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। हाँ न्यू ईयर रेजोल्यूशन, यस याद आ गया मुझे। मैं मीठा कम खाऊंगी। तुम मीठा कम खाओगी? यस। गुड़ कम खाओगी यानी कि? नहीं, स्वीट। बाकी सारे रसगुल्ले नहीं खाऊंगी। फ्रिज में 4 से डब्बे रखे रहते हैं रसगुल्ले के। अभी ऐसा झूठ मत बोलो तुम। किटकैट मम्मा को भी अच्छी लगती है। यस किटकैट, मुझे कैट अच्छी लगती है। मुझे किट कैट अच्छी लगती है और मुझे कैट भी अच्छी लगती है। ओके ठीक है, अभी चलेंगे चलेंगे, चलो 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 चलो। किट कैट। हां।
गुलाब जामुन, रसगुल्ला, कोई भी स्वीट नहीं, स्वीट डिश नहीं, मीठा नहीं खाऊंगी आज से, नहीं खाऊंगी। ठीक है, आज लास्ट ऑफिस में खा लिया है 2 गुलाब जामुन, अब नहीं। वाह, 2 गुलाब जामुन नहीं, 2 गुलाब जामुन का डब्बा था। तुम ही गुलाब जामुन, पता है तुम्हारे टाइम पे बहुत ज्यादा गुलाब जामुन खाए इसने। देखो तुम ही वो गुलाब जामुन हो। तुमने उस टाइम पे नारियल का खाया था, इसलिए इसका सिर जो है ना नारियल है, वो अपने सिर से ना टाइल्स तोड़ देती है वो। इसी न्यू ईयर रेजोल्यूशन के साथ आज का हमारा व्लॉग खत्म होता है। कल मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।